हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मी हीरो शोरूम, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, ये रही हीरो की न्यू स्प्लेंडर प्लस नंबर 1 एडिशन के साथ, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बताएंगे कि स्प्लेंडर प्लस नंबर 1 एडिशन के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो कौन कौन सी इसमें आपको फीचर्स मिलने वाली है। साथ में इस एडिशन में बहुत सारे ग्राफिक चेंज हुई है और न्यू अपडेट आई है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। और इस वीडियो में इसकी एक्सोरूम और ऑन रोड क्या पड़ने वाली है, वो सब कुछ इसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस तो सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन नंबर 1 एडिशन लाने के पीछे मकसद क्या है कंपनी की। तो दो चीज है। सबसे बड़ी बात कि स्प्लेंडर प्लस इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक है, तो इस तरह से नंबर 1 एडिशन की नाम पड़ा। और दूसरा, बहुत सारे कस्टमर स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल वाले तो लेते थे, लेकिन बाद में जाके उसे मॉडिफिकेशन करवाते थे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर गाड़ी तो ले लेते थे लेकिन फिर से उसे मॉडिफिकेशन कराते थे। तो यहाँ पे उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए अब कंपनी ही आपको मॉडिफाई करके आपको गाड़ी देने वाली है, जो कि आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे। जहाँ पे आप एक नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस लेते हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे न्यू ग्राफिक और न्यू फीचर्स एड हुए हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो अब बिना देर के हुए चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और स्टार्ट करते हैं कि इस गाड़ी को अगर आप लेते हैं न्यू एडिशन के साथ, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिलता है और इसमें आपको कौन कौन सी न्यू ग्राफिक मिलने वाली है। अब चलते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट के टायर के प्रोफाइल में और बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन से टायर मिलने वाली है। आते गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में तो 80x100 18 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलने वाली है, जो कुछ उस टाइप के ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है। बात करते हैं इसके टायर की, तो एरो ग्रिप के साथ यहाँ पे ट्यूबलेस आपको टायर मिलने वाली है। आते गाड़ी के फ्रंट के ब्रेक में, तो यहाँ पे फ्रंट में 130mm का आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट के मडगार्ड में, तो कुछ उस टाइप की आपको ग्रे कलर के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर देख पा रहे। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट की सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आपको मिलने वाली है, जो कि बेहतर राइडिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपको ऑफ रोडिंग में। साथ में अब बात करते हैं गाड़ी की पीछे की ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे 130mm ड्रम ब्रेक तो मिलती है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पीछे के साइड में मिलती है। कहने का मतलब है कि जब भी आप गाड़ी का पिछला ब्रेक लगाते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों टायर में सेम ब्रेक लगने वाली है, तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो काफी इनहेंस हो जाती है। तो ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। हालांकि गाड़ी का फ्रंट का ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में ही अप्लाई होने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट के वाइजर में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें नंबर 1 एडिशन में सिल्वर के स्टिकर्स आपको मिलने वाली, कुछ उस टाइप की ग्राफिक मिलती है। साथ में यहाँ पे मैट ग्रे कलर के साथ आप देख पा रहे होंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस की यहाँ पे ब्रांडिंग होने वाली है। और एक चीज आप देखो यार, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब मिलती है, जो कि 35W की आने वाली है। इसकी टर्न इंडिकेटर की बात की जाए तो ये 10W की रेगुलर बल्ब के साथ मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप की आपको सिल्वर की ग्राफिक मिलने वाली है। देन इसकी जो हीरो की लोगो है वो 3D में आपको मिलती है, और ये जो आप सिल्वर की ग्राफिक देख पा रहे होंगे ये नंबर 1 एडिशन में आपको मिलती है, तो ये काफी अच्छी लगती है। साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस नंबर 1 की ब्रांडिंग होती है, तो कुछ इस टाइप से गाड़ी के लुक को एनहांस करती है। फ्यूल टैंक में कुछ इस टाइप की स्टिकर मिलने वाली है, जहाँ पे गाड़ी की सर्विस टाइमिंग और यहाँ पे E20 आपको मिलने वाली है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि गाड़ी 2024 की है, न्यू अपडेट के साथ आने वाली है। अब जो पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा आएगी वो 20% के साथ यहाँ पे आने वाली है। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे स्प्लेंडर प्लस की साइड की प्रोफाइल, लेकिन अगर आप जैसा नंबर 1 की अगर आप साइड प्रोफाइल देखोगे ना, तो यहाँ पे एक यूनिक और काफी अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक आने वाली है। और सबसे अच्छी बात, जहाँ पे कस्टमर ज्यादा मॉडिफिकेशन करते थे, यहाँ पे जो ग्रेबलर विद कैरियर के साथ आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे वो चीज नंबर 1 के एडिशन में आपको नहीं मिलने वाली है। ओनली यहाँ पे सिंगल ग्रेबलर आपको मिलने वाली है और यहाँ पे कैरियर नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये मॉडिफिकेशन बहुत सारे कस्टमर्स करते थे, तो ये चीज अब आपको कंपनी के साइड से मिलने वाली है, तो अलग से मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और ये पीछे के लुक को कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव बना देती है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देना चाहूंगा, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे दो आपको चाबी मिलने वाली है। देन करते हैं गाड़ी के इग्निशन को ऑन, तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एनालॉग के साथ स्पीडोमीटर मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे मैक्स 140 आपको स्पीड दिखने वाली है। नीचे अगर आते हैं तो साइड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिलने वाला है, i3s की टेक्नोलॉजी मिलती है, गाड़ी कितनी चली आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको इकोनॉमी भी बताने वाली है कि अगर आप इसमें गाड़ी चलाते हैं तो बेहतर आपको माइलेज मिलने वाली है। साथ में राइट साइड में आपको फ्यूल मीटर मिलने वाली है, गाड़ी न्यूट्रल में है, चेक इंजन है, हाई बीम लो बीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे इसकी टर्न इंडिकेटर आपको मिलने वाली है, और ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिलने वाली है, तो कहने का मतलब है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के साइड के मिरर में, तो कुछ साइड की डिजाइनिंग के साथ मिलने वाली
वाली है। इसकी कलर्स की बात की जाए तो ये काफी अच्छा लाइट वेट के साथ आने वाली है। हाई बीम लो बीम आपको मिलती है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न कुछ उस टाइप की मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पे इसमें आपको पासिंग स्विच नहीं मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के राइट साइड के हैंडल बार में, तो यहाँ पे i3s की टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे। गाड़ी को अगर सेल्फ से स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसकी क्रश गार्ड आप देख पा रहे, जो कि स्टील और क्रोम के साथ आने वाली है, जो कि गाड़ी के लुक को काफी एनहांस करती है। देन इसके इंजन के प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे डुअल टोन के साथ आती है। इधर आप मैट ब्लैक कलर के साथ देख पा रहे, और यहाँ पे आपको मैट ग्रे कलर के साथ मिलने वाली है। और एक चीज मैं बताऊँ, इसकी जो चैन कवर है वो आपको मेटल के साथ मिलती है, तो ये काफी अच्छी बात है। बहुत सारे कंपनी में ये नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी वो कॉस्ट कटिंग करती है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको कॉस्ट कटिंग नहीं की जाती है। अब इधर आप देख पा रहे तो पावर स्टार्ट FI प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलने वाली है। पहले जो कार्बोरेटेड वाली इंजन आती थी वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है, तो जो ठंडे के टाइम पे इंजन को स्टार्ट करने में काफी टेंशन होती थी, अब यहाँ पे वो चीज आपको नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ पे एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आने वाली है, जो कि 97.2 सीसी के साथ ये इंजन आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम पावर जनरेट होने की, तो यहाँ पे 8 PS का पावर जनरेट होता है 8000 RPM में। और बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहाँ पे 8.05 Nm आपको टॉर्क मिलने वाली है, वो भी 6000 RPM में। तो ओवरऑल बात करते हैं इस इंजन की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की, तो ये काफी अच्छी आपको स्प्लेंडर प्लस में शुरू से ही आपको मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो इसकी जो गियर है वो मेटल के साथ कुछ उस टाइप की क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है, 4 स्पीड के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। देन बात करते हैं इसकी फुटरेस्ट की, तो यहाँ पे आपको फोल्डेबल वाली फुटरेस्ट मिलने वाली है, पीछे भी आप इसके फुटरेस्ट को फोल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड स्टैंड की, तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ की फीचर्स आपको मिलने वाली है, जो कि इसकी कट ऑफ की फीचर से यहाँ पे आपको प्लेसिंग होने वाली है। बात करते हैं अब गाड़ी की सीट की, तो कुछ टाइप की आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि काफी लॉन्ग मिलने वाली है। और एक चीज काफी अच्छी बात है कि इसकी जो कंफर्ट है वो काफी अच्छी मिलती है, किसी भी रोड में या फिर किसी भी कंडीशन में जो इसकी कंफर्ट है वो काफी अच्छी मिलती है। अब आते हैं इसके सीट कॉल में, तो कुछ इस टाइप की मैट ग्रे कलर के साथ आपको होने वाली है। देन यहाँ पे i3s की आपको स्टिकर्स मिलने वाली है, और पीछे यहाँ पे जो सिल्वर के स्टिकर्स देख पा रहे, ये भी आपको पीछे मिलती है। देन पीछे आप देख पा रहे तो यहाँ पे हीरो की स्टिकर्स मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की टेल लैम्प की, तो यहाँ पे 10 वॉट की रेगुलर बल्ब के साथ मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर मैंने बता दिया कि ये भी आपको रेगुलर बल्ब 10 वॉट के साथ आने वाली है। देन पीछे आप यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्टर देख पा रहे होंगे। बात करते हैं गाड़ी की पीछे की सस्पेंशन की, तो यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आपको मिलने वाली है, तो ये ऑल रोड के कंडीशन में आपकी जो राइडिंग है वो काफी कंफर्टेबल बना देती है। साथ में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लेडी फुट पैड आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे लेडी गार्ड आपको कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। पीछे की मैंने आपको ब्रेकिंग बताई दिया था, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। अब गाड़ी के राइट साइड में आते हैं तो गाड़ी को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे आपको सेल्फ मिलने वाली है, तो एज आपकी चॉइस आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेक जो लीवर मिलने वाली है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कैथोलिक कन्वर्टर आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पे एक आपको कवर दी गई है, आपके फुट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखी गई है। साथ में इसके इंजन में आते हैं तो यहाँ पे आपको 3D लोगो मिलने वाली है, जो कि आपको ग्रे फिनिशिंग के साथ मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पे आप इसकी जो मफलर देख पा रहे होंगे ये आपको क्रोमिंग के साथ मिलती है, तो ये साइड के लुक को काफी एनहांस करती है। ओवरऑल अगर साइड की प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे न्यू ग्राफिक न्यू स्टिकर्स के साथ आपको मिलने वाली है, जो कि साइड के लुक को नॉर्मल स्प्लेंडर के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बना देती है। अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, तो सबसे पहले इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 165 mm आपको मिलने वाली है। सीट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे 785 mm आपको मिलती है। साथ में इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। साथ में अब बात कर लेते हैं गाड़ी की कर्व वेट की, तो यहाँ पे 112 kg का आपको इसकी कर्व वेट मिलने वाली है। तो ये रहा ओवरऑल स्प्लेंडर प्लस नंबर 1 एडिशन की सारी ग्राफिक और सारी न्यू अपडेट जो मैंने आपको कवर करके बताया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर स्प्लेंडर प्लस अगर आप लेने का प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे i3s की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, साथ में बेटर माइलेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, 5 साल की वारंटी मिलती है, लो मेंटेनेंस इसकी EMI कॉस्ट आपको पड़ती है, और बेटर रीसेल वैल्यू है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गाड़ी को लेने के टाइम पे। और यहाँ पे जो इसकी राइडिंग कंफर्ट है वो काफी अच्छी मिलती है, तो अगर आप नंबर एडिशन के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गाड़ी की लुक काफी तगड़ी आने वाली है। ओवरऑल अगर गाड़ी की परफॉर्मेंस और आफ्टर सेल्स सर्विस की बात की जाए तो वो भी आपको काफी अच्छा मिलने वाली है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि स्प्लेंडर प्लस नंबर 1 एडिशन के साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको यही कलर ऑप्शन मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे मैट ग्रे विद सिल्वर के साथ आप देख पा रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी अगर आप नंबर 1 एडिशन लेते हैं तो यहाँ पे 77,696 रुपीज इसकी एक्स शोरूम पड़ने वाली है, और इसे हीरो लक्ष्मी शोरूम हजारीबाग से लेते हैं तो यहाँ पे जो इसकी ऑन रोड पड़ने वाली है वो 93,850
50 के आसपास पड़ने वाली है। तो अगर हजारीबाग लक्ष्मी शोरूम से अगर इस गाड़ी को लेने का प्लान करते हैं या फिर हीरो की कोई भी गाड़ी की अगर आप इंक्वायरीज करना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो में नंबर। आप हीरो बाइक के रिलेटेड आप कोई भी गाड़ी की इंक्वायरीज आप कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो रियलिटी यार स्प्लेंडर प्लस न्यू एडिशन के साथ यहाँ पे नंबर 1 की जो न्यू गाड़ी आई हुई है वो काफी अच्छी फीचर्स के साथ और काफी ग्राफिक के साथ आई हुई है और ये गाड़ी ओवरऑल दिखने में भी काफी अच्छी लगती है नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस के अनुसार। और सबसे अच्छी बात कि अब आपको अलग से मॉडिफिकेशन करवाने की कोई टेंशन नहीं है, कंपनी फिटेड आपको सारी चीज मिलने वाली है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।